फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील लता। आज जो है हमारा बीएड सेकंड ईयर का जो लास्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट, उसका लेक्चर नंबर 7 में जो है हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सजेशन एंड रिकमेंडेशंस इन क्यूरिकुलम डेवलपमेंट एज पर द फॉलोइंग कमीशंस, कि जो कौन कौन से ऐसे जो है कमीशंस हैं हमारे इंडिया के अंदर आए और इन्होंने जो क्यूरिकुलम डेवलपमेंट जो था उससे संबंधित जो है अपने क्या सुझाव इन्होंने दिए, सजेशंस इन्होंने दिए और इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो कौन कौन सी थी। क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम, वो जैसे ही हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है, हमारे जो है बहुत सारे कमीशंस हमने बनाए, बहुत सारे जो है वो पॉलिसीज हमने बनाई जो कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस समय हमारे लिए आवश्यक थी। तो इनमें से जो आपका करिकुलम है उसमें जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फर्स्ट जो हमारा कमीशन है, इसके बारे में जो है वो 1952 से 54 तक का जो इसका कार्यकाल रहा, 53 तक इसका कार्यकाल रहा। तो इस दौरान जो है इन्होंने किया है, क्या क्या सुझाव दिए उस समय जो देश की शिक्षण व्यवस्था थी उनके लिए, क्या क्या सिफारिशें इन्होंने की, आज हम इसी विषय को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसके अंदर कमीशन हमारे दो कमीशन और भी हैं, ठीक है, लेकिन हम आज जो है सेकेंडरी कमीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा इसका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का नाम क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो कमीशन है ये क्या है कि जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का जो था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया था इससे पहले, लेकिन वो क्या था, वो सिर्फ विश्वविद्यालयों तक ही सीमित था उसके, और तब तक क्या है, एक जो है वो एक 1948 के अंदर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के सामने एक ऐसा जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि जो हमारा वो 48-49 वाला जो था वो क्या था, राधा कृष्णन आयोग के नाम से जिसको जाना जाता था, तो वो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, ठीक है। लेकिन जो भारत सरकार सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने जो क्या है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, इसने क्या किया, इसने एक माध्यमिक शिक्षा की जांच कैसे की जाए इसके लिए एक आयोग को बनाने का सुझाव दिया था। और जो कि क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो एक गठन फिर हुआ, कैसे हुआ, ये जो है फिर 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर ए एल स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की एक नियुक्ति यहाँ पर की गई, ठीक है। ये जो डॉक्टर ए एल स्वामी मुदालियर है, इनके नाम के से ही जो है इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। ये जो कमीशन था इसमें क्या थे, ये जो मेनली जो इस आयोग के अंदर क्या थे, 10 सदस्य थे, और 10 सदस्यों में से जो स्वामी मुदालियर थे वो क्या थे, स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण मुदालियर के नाम से जिनको जाना जाता है, ये उसमें मद्रास जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर क्या थे, उप कुलपति के रूप में थे, और ये जो आयोग बना इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये शिक्षा आयोग जो बना इसने क्या है, ये जो 29 अगस्त 1953 को क्या है इसने अपना जो है वो प्रतिवेदन पेश किया, 250 प्रश्नों में इन्होंने पेश किया, ठीक है। और ये जो प्रतिवेदन था इसमें कितने थे, 15 जो है वो चैप्टर थे, 15 अध्याय इसके अंदर थे। तो ये जो कमीशन था ये मेनली हमारा फर्स्ट कमीशन हम इसको कहेंगे, जिसने की माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड कार्य को पूरा किया और माध्यमिक शिक्षा की इन्होंने जांच की, ठीक है। तो मुदालियर आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है। और इसका जो समय था वो 1952-53 का ही था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इसमें बात करते हैं कि जो ये कमीशन था इसके मेन मेन काम क्या थे, ठीक है। आयोग के कार्य कौन कौन से थे, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो जो भारत की समकालीन माध्यमिक शिक्षा थी उसकी गुणवत्ता की जांच करना कि माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने सुझाव दिए, रिकमेंडेशंस दी, सिफारिशें अपनी दी, लेकिन सबसे पहले क्या था कि इसकी जांच करना बहुत आवश्यक था। और ये जो इनका मेन काम था इस माध्यमिक शिक्षा की जांच करना। दूसरा, शिक्षा के जो उद्देश्य थे,
ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य उसका जो संगठन था और जो कंटेंट मैटर है, जो विषय वस्तु है, उसकी जांच करना भी जो क्या है माध्यमिक शिक्षा आयोग का कार्य था। थर्ड हम इसमें बात करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सह संबंध की, जो देखिए इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर इतने सारे विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय थे उस समय भी, तो विभिन्न प्रकार के थे, टाइप्स भी बहुत सारे थे उन विद्यालयों के, तो उन माध्यमिक जो विद्यालय थे उनमें आपस के अंदर किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, आपस के अंदर किस तरह का सहसंबंध पाया जाता है, इसकी जांच करना भी क्या है इसका कार्य माना गया था। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्राथमिक कार्य है और उच्च शिक्षा के साथ साथ इसका क्या संबंध था, ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस और या जो प्राइमरी जो हमारी क्लासेस थी, प्राइमरी का जो लेवल था और जो हायर लेवल था उसके साथ माध्यमिक शिक्षा किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से आपस में इनमें भी क्या रिलेशन था, इसकी जांच करना ये भी इसका कार्य था। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि अन्य समस्याओं को पहचानना और उनका अध्ययन करके हल निकालना कि वो और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी, इस चीज की जांच करना भी क्या था इसका कार्य माना जाता था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि जो भारत की समकालीन जो माध्यमिक शिक्षा की जांच करना था इसका मुख्य कार्य था। दूसरा, शिक्षा के उद्देश्य, उसका संगठन और उसकी विषय वस्तु की जांच करना। थर्ड है, भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सह संबंध किस प्रकार का है इसकी जांच करना। प्राइमरी जो कार्य है एंड जो हायर शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसके साथ साथ इसका क्या संबंध था माध्यमिक शिक्षा का। एंड देन अन्य समस्याओं को पहचानना तथा उनका अध्ययन करके हल निकालना, ये जो है इस आयोग के सेकेंडरी कमीशन के मुख्य कार्यों के अंतर्गत शामिल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रिकमेंडेशंस थी या जो सिफारिशें थी इस आयोग की वो कौन कौन सी थी। ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी, ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा का जो पहला आयोग था ये 23 सितंबर 1952 को आया और डॉक्टर जो एल स्वामी मुदालियर थे उनके अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। और जो 29 अगस्त 1953 को क्या है इस इन्होंने जो है वो अपना प्रतिवेदन क्या है 250 प्रश्नों के अंदर जो है वो लिख करके पेश कर दिया था और उसमें के मुख्य क्या थे 15 चैप्टर थे। ठीक है, और इस आयोग के कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे जिसमें से कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे वो क्या थे इसके जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे वो जो है इस कमीशन के क्या थे अध्यक्ष थे। इसके अलावा 9 और व्यक्ति जो थे इस कमीशन के अंदर शामिल माने गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यों की। हमने बात की कि इन इन कार्यों को करना जो है वो इस आयोग का उत्तरदायित्व था, तो लेकिन इन्होंने जो है वो क्या जो है रिकमेंडेशंस दी माध्यमिक शिक्षा के अंदर, इन्होंने के अनुसार दोष कौन कौन से देखे। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों की बात हम करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें, देखिए जहां पर हम बात कर रहे हैं सिफारिशों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी सिफारिशें थी और कौन कौन से सुझाव थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जांच करने की कार्यों का हम देखा, अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि क्या क्या दोष थे, क्या क्या कमियां थी उस समय में माध्यमिक शिक्षा के अंदर, वो मेनली एक बार थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं ताकि जो है वो किसी प्रकार को समझने में आपकी कठिनाई ना हो। अब जो आयोग है इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया, एक प्रश्नावली तैयार की थी विभिन्न आयोग के जो विभिन्न जो पहलू थे हमारे माध्यमिक शिक्षा के उनको लेकर के एक प्रश्नावली इन्होंने तैयार की और जो उसमें क्या है विभिन्न जो हमारे शैक्षिक जो विशेषज्ञ थे एक्सपर्ट्स थे उस समय के और शिक्षक थे शैक्षणिक संस्थाएं थी उनको जो है वो अलग अलग बांट दिया गया था और जो उससे जो उन्होंने उस जो प्रश्नावली को भरवाया जो उस क्वेश्चनियर को उन्होंने भरवाया उसे ही क्या है उसी उन क्वेश्चनियर के जरिए ही क्या है वहां से जो जानकारी थी उन्होंने इकट्ठी की थी। और इसके अलावा क्या है आयोग के जो सदस्य थे
वो बहुत सारे सदस्य थे, जो 9 सदस्य और थे, 10 सदस्य थे सारे इसमें। उन्होंने क्या है, विभिन्न जगहों पर दौरे किए, विभिन्न जगह पर जाकर के स्कूलों के अंदर क्या रहा, ऑब्जर्वेशन की, और वहां से डाटा कलेक्ट करके विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उनका क्या क्या उन्होंने अवलोकन किया, और उसी को आधार मानते हुए जो सरकार, जो ये कमीशन था, इसने जो अपना प्रतिवेदन सौंपा था उसी को आधार माना। अब जो मेन दोष थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार वो कौन कौन से थे, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जीवन से पृथक दोषों की अगर हम बात कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा के दोषों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो जीवन था वो क्या था, पृथक जीवन। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो ये माध्यमिक स्तर का जो जीवन है या माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है ये क्या है, जीवन से पृथक है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जीवन से पृथक, कि जीवन से क्या है ये अलग है, जीवन के साथ इसका जुड़ाव ना होने के कारण क्या है ये व्यवहारिक नहीं मानी जाती थी, क्योंकि जो चीजें हमारे एक्चुअली के अंदर, हमारे जीवन के अंदर से शामिल नहीं होती, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के सुख या दुख या हम जिसको कहेंगे कि जो जीवन से रिलेटेड चीजें हैं उनके साथ ही अगर हमारा करिकुलम जो है या हमारी शिक्षा उससे जुड़ी होती है तो उसके जो परिणाम हैं वो क्या है, बेहतर होते हैं और लोग उसमें रुचि भी लेते हैं। दूसरा हम इसमें बात करेंगे, नैरो एंड वन साइडेड, संकीर्ण और एक पक्षीय, संकीर्ण और एक पक्षीय, एक पक्षीय। इन्होंने ये कहा कि जो ये सिस्टम है माध्यमिक शिक्षा का ये क्या है, ये जो है वो बहुत ही अधिक नैरो कंसेप्ट पर आधारित है और संकीर्णता पर आधारित है, जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई नहीं है, केवल और केवल एक पक्ष ये है, एक पक्ष पर ये काम है करती है। ठीक है, तो जो जो छात्रों की जो जरूरी जरूरतें हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही थी, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उनको जो करिकुलम दिया गया था वो वहां पर जो है वो पूर्ण नहीं था। और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो भी क्या है, वो भी उसी में शिक्षा व्यक्तित्व के केवल क्या है, कहते हैं कि व्यक्तित्व के केवल एक या दो अंशों पर ही काम करती है, उसका जो सर्वांगीण विकास का जो कंसेप्ट है वो उससे फिर भी अछूता रह जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो चार चारित्रिक गुण है व्यक्ति के उनका में जो है अभाव है, चारित्रिक जो शिक्षा है, चारित्रिक गुणों का ज्ञान देने में, गुणों का ज्ञान देने में असमर्थ, ज्ञान देने में सक्षम नहीं, सक्षम नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे चरित्र के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, जिस प्रकार के नागरिक हमें चाहिए, जिस प्रकार के नागरिकों का हमें निर्माण करना है, उनके पर्सनैलिटी के अंदर जो जो गुण हमें भरने हैं, वो सारे जो गुण हैं वो देने में जो शिक्षा थी वो क्या है, उसका अभाव था। ये मतलब वो इतनी सक्षम नहीं थी कि वो जो है बच्चे को के अंदर सारे जो चारित्रिक गुण होते हैं वो भर पाए। नेक्स्ट है कि अव्यवहारिक पाठ्यक्रम, अव्यवहारिक पाठ्यक्रम। इन्होंने ये कहा कि जो ये सिस्टम है माध्यमिक शिक्षा का ये क्या है, व्यवहार के अंदर इसको लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि जीवन से ही अलग है तो व्यवहारिक होने का कोई औचित्य ही नहीं है, है ना। जो चीजें हमारे जीवन से जुड़ी होती है प्रैक्टिकली वही क्या है, वही चीजें जो है वो हमारे जीवन में व्यवहारिक हम मानते हैं, उन्हीं चीजों का हम जीवन के अंदर प्रयोग करते हैं, और ऐसा करिकुलम जो कि व्यवहार के अंदर प्रयोग ना कर सके, हम इसको जीवन के साथ जोड़ करके ना चल सके, और जो संकीर्ण अवधारणाओं पर आधारित हो, जो और जो क्या है कंप्लीट जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो करने में सक्षम ना हो, तो ये अपने आप में क्या है, एक दोष ही माना जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी शिक्षा जो है वो माध्यम, जो कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का जो माध्यम था वो क्या था, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम होने के कारण क्या होगा, अगर सिर्फ शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी रखा जाए तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो भावनाएं हैं, बच्चे के जो गुण हैं,
जो जो एक्सप्रेशन है अगर वो मातृभाषा में देता है तो उससे वो बहुत ज्यादा जल्दी सीखता है। लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होने के कारण क्या है, उन क्षेत्रों को अपनी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें आती हैं जिन्हें क्या है अंग्रेजी समझने और जो अंग्रेजी भाषा को पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है, जिनकी अंग्रेजी पर कमांड नहीं होती, वो अगर उनको माध्यम क्या है अगर हम इंग्लिश माध्यम उस समय दिया गया तो उससे भी क्या है उनको जो है वो पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही। फिर ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली की, परंपरागत शिक्षण प्रणाली, परंपरागत शिक्षा प्रणाली। जो शिक्षा का स्वरूप था वो क्या था, ट्रेडिशनल ही था। ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली थी जिसमें क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट जो मेथड से टीचिंग मेथड, साइंटिफिक मेथड, उनका प्रयोग जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत उस समय नहीं किया गया था, जिससे कि क्या है जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पिछड़ चुकी थी और पिछड़ी पद्धतियों पर आधारित होने के कारण वर्तमान के साथ उसका मेलजोल या आगे बढ़ने के लिए जो जिस सारी सामग्री की, जिस टाइम टेबल की, पुस्तकों की, है ना, टीचर्स की, टीचिंग मेथड्स की, सब चीजों की जो क्या है आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा था। और क्या है इसके परिणाम स्वरूप एक चीजें और भी थी कि जो छात्र और जो अध्यापक का जो रेशियो था वो रेशियो भी क्या है वो भी एक लिमिट के अंदर होना चाहिए था, वहां पर भी जो थी वो क्या है अव्यवहारिक था। और परंपरागत शिक्षा प्रणाली होने के कारण टीचर और जो स्टूडेंट के बीच में जो बिल्कुल एक प्रक्रिया अट्रैक्शन की, इंट्रैक्शन की चलती है, ठीक है, तो वो उस समय संभव नहीं थी क्योंकि ट्रेडिशनल के मेथड के अंदर जो बच्चा है वो पैसिव फॉर्म में होता है और जो टीचर है वो क्या है एक्टिव फॉर्म के अंदर रहता था। तो दोनों के बीच में जो एक अच्छा जो रिलेशन आजकल के समय में पाया जाता है उस समय उसमें जो है वो कमी उसकी मानी गई थी या उसको ऑब्जर्व उस समय किया गया था। नेक्स्ट है जो कक्षाओं में विद्यार्थियों की भीड़ थी या दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अगर हम बात करें मेन पॉइंट की तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो परीक्षा का सिस्टम था लेने का, ठीक है, वो क्या था दोषपूर्ण कहा इन्होंने कि जो मूल्यांकन बच्चे का किया जाता था परीक्षाओं के माध्यम से वो क्या है वो समुचित मूल्यांकन नहीं संभव था उस समय में, क्योंकि क्या है जो है वो तरीका क्या था परीक्षा प्रणाली को एक मतलब जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप का जैसे सिस्टम है वैसे नहीं था। पेपर जो थे वो सिर्फ जो है वो मूल्यांकन की दृष्टि से सिर्फ पेपर ले लिए जाते थे, बच्चे को पढ़ा दिया जाता था, जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी जैसे जैसे अब होती है वैसा कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ बच्चे को रट करके पढ़ना था और उन पर क्या है उन रटे हुए प्रश्नों पर ही निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो बच्चे को लिखने होते थे, तो जिससे कि क्या है जिससे जो बच्चे के व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण इवेल्युएशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं हो पाता था, मूल्यांकन नहीं हो पाता था कि बच्चे ने वर्ष भर में क्या पढ़ा, क्या उसने काम किया, क्या नया सीखा, कि जिसने जिसने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए बस उसी के आधार पर उसका इवेल्युएशन हो जाता था। तो ये क्या था, ये ऑब्जेक्टिविटी ना होने के कारण जो है ये दोषपूर्ण था, ठीक है। और कक्षाएं क्या थी, कक्षाओं में रेश होते हैं होने के कारण क्या है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता था कि कहीं किसी क्लास में संख्या कितनी ही हो गई और किसी क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी ही ज्यादा या कम हो गई, कोई रेशियो जो है उस समय फिक्स नहीं था। तो जो टीचर और जो छात्र के बीच में जो संपर्क होना चाहिए था वो जो नहीं बन पा रहा था, ठीक है। अब ये जो मेन जो है वो दोष थे इसके माध्यमिक शिक्षा के, ठीक है। अब जो माध्यमिक शिक्षा का देखिए, अब एक हम अगर माध्यमिक शिक्षा के दोषों की बात हमने करी, कार्यों की बात करने की, जांच करने की, और अगर हम उद्देश्यों की बात ना करें तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा रह जाता है ना। तो उद्देश्यों के अंदर क्या है मेनली, जो उद्देश्य फर्स्ट क्या है मेन, जो इसने चार मेन उद्देश्यों को लेकर के काम किया था, चार मेन उद्देश्य कौन कौन से थे, पहला था लोकतंत्र की भावना का विकास करना, लोकतंत्रीय भावना का विकास करना, लोकतंत्रीय भावना का विकास करना,
लोकतंत्र के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि बच्चे के अंदर क्या है, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए किसी भी कंसेप्ट को लेकर के। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है, प्रजा का तंत्र, जिसमें कि क्या है, हमें अपने विचारों को रखने की आजादी होती है, दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की आजादी होती है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो हम कहीं भी इकट्ठा होकर के, क्या है, हमारा संविधान इस चीज की आजादी देता है हमें कि शांतिपूर्ण तरीके से हम कहीं भी इकट्ठे होकर के क्या कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान है कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट चिंतन होना चाहिए और नए विचारों को ग्रहण करके गुणों का विकास करना होना चाहिए, ताकि व्यक्ति में क्या है, बच्चे की बौद्धिक शक्तियों का विकास हो, बच्चे की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका विकास हो, और जो बच्चा है क्या है वो सत्य और असत्य के अंदर, झूठ और सच के बीच में, गलत और सही के बीच में जो है वो स्पष्ट चिंतन कर सके, उन चीजों को क्या है, उन चीजों को जो चीजें मतलब कि क्या है कि गलत है उनको, एक स्पष्ट चिंतन का मतलब क्या है कि जो चीजें सही नहीं है उनको बच्चे के अंदर कहने की इतनी जो है वो क्या होनी चाहिए, उतना इसके अंदर बच्चे के अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि बच्चा गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। और वो कब संभव था, वो स्पष्ट चिंतन से ही संभव था, जो कि क्या था उस समय में ये जो तय करना था, बच्चे को स्पष्ट चिंतन के लिए तैयार करना था, ये इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा का। दूसरा इसकी था सच्ची देशभक्ति की भावना का विकास करना। ठीक है, लोकतंत्रीय भावना के अंदर कि जो देशभक्त, क्योंकि हमारा जो देश था उस समय स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हमने कुछ ही वर्ष हुए थे, तो उस समय में देशभक्ति की भावना बच्चे के अंदर विकसित करनी, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो ये जो कमीशन था, शिक्षा क्या है, राष्ट्र हितों के लिए अपने स्वार्थ को त्याग करके, देश के हितों के लिए जो अपने हितों को त्याग करते, ऐसी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य लेकर के काम हम कर रहे थे। फिर था बोलने और लिखने में स्पष्टता, कहता है कि जो शिक्षा व्यक्ति को क्या है, स्पष्ट चिंतन के साथ साथ व्यक्ति को क्या है, लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये जो चीजें हैं ये बनाने में सक्षम है, बनाती हैं। तो ये भी निर्धारित जो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा थी उसने क्या किया था, इसको भी आधार बनाया था कि इन्होंने ये कहा था कि ये भी हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, मुदालियर आयोग ने भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक, आर्थिक और जो सामाजिक आवश्यकताएं थी उनको सामने रखते हुए कुछ उद्देश्य हमारे सामने रखे थे। अब जो लोकतंत्रीय भावना का विकास करना, इसका मेन हेडिंग हम यहाँ पर बनाएंगे। फिर है समुदाय के साथ रहने की स्वतंत्रता या समुदाय के साथ रहने की कला। ठीक है, तो जो समुदाय क्या है, जहाँ व्यक्ति जिस समाज के अंदर रहता है, जिस समाज विशेष के अंदर व्यक्ति रहता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, और समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। तो जो कहता है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, दूसरों के साथ मिलजुल करके रहने की जो है इसका उद्देश्य इन्होंने बनाया कि व्यक्ति समाज में रहते हुए खुद का भी कल्याण करे और समाज के लोगों का भी कल्याण करे। तो ये भी इसका जो है वो मेन उद्देश्यों के अंतर्गत माना गया। और इसके अंदर जो है एक पॉइंट और भी आता है कि विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना। जो माध्यमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसका उद्देश्य क्या था, विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना। कि सारा जो वैसे देव कुटुंबकम के धर पर अगर हम काम करें तो क्या था कि भारत के अंदर ये शुरू से, भारत शुरू से एक शांति प्रिय देश रहा है। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, यहाँ पर जो है पंचशील का सिद्धांत भी आपने सुना होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता के अंदर एक जो पंचशील का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, तो इस तरह के जो है वो मनोवृत्ति रखने वाला जो देश था वो विश्व नागरिकता का कल्याण करना, विश्व भाईचारे की भावना का विकास करना, ये भी क्या है, ये भी जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्यों के अंतर्गत माने गए थे। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट हो गया लोकतंत्रीय भावना का विकास करना। दूसरा था व्यवसायिक कुशलता के गुण पैदा करना, व्यवसायिक कुशलता के गुण पैदा करना। व्यवसायिक कुशलता क्या है, किसी भी व्यवसाय को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाना। क्योंकि उस समय क्या था कि हमारे जो देश में थे आर्थिक संसाधनों का काफी अभाव था, और ऐसे समय में क्या था, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देना बहुत जरूरी था। तो तकनीकी शिक्षा बच्चे को किस प्रकार से दी जाए, साथ ही साथ जो है वो तकनीकी कुशलता के साथ साथ क्या है, बच्चे को
एक जब शिक्षा हम दे तो उसके हाथ में एक ऐसा जो है वो रोजगार, बच्चे को शिक्षा के साथ साथ मिलना चाहिए जिससे कि क्या है वो जीविका उपार्जन कर सके। तो जो तकनीकी कुशलता और निपुणता में विकास जो है इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि तकनीकी कुशलता का विकास करना, कुशलता में विकास। ये जो है इन्होंने मेन अपना माध्यमिक शिक्षा के दृश्य में जोड़ा कि बच्चे को अगर तक टेक्निकल रूप से अगर हम बच्चे को स्किलफुल बना देते हैं तो उससे क्या है उससे उसको रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और जो है वो अपने जीवन को आराम से जो है वो जीवन यापन अपना कर सकेगा अगर वो ट्रेंड हम बच्चे को बना देते हैं। फिर है एक था इसके अंदर की काम के प्रति जो है वो नया दृष्टिकोण पैदा करना, काम के प्रति नया दृष्टिकोण पैदा करना। ये भी जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य उन्होंने डिसाइड किया कि जो बच्चा है वो नए एटीट्यूड को लेकर के, नए एप्टीट्यूड को लेकर के काम को कंप्लीट करे। क्रिएशन ऑफ ए न्यू एटीट्यूड ऑफ ए वर्क कि किसी भी काम को नए तरीके से करने का जो है बच्चे के अंदर हम स्किल पैदा करते हैं तो उससे भी क्या है जो उसकी व्यवसायिक कुशलता है उसमें निखार आता है। व्यवसायिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है छोटे मोटे कार्य करके अपने जीवन को अच्छे से चला सकने में सक्षम हो जाएगा। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास जो माध्यमिक शिक्षा है उसका उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व के विकास में क्या है बच्चे का ऑल डेवलपमेंट का विकास करना, बच्चे की जो संस्कृति है सांस्कृतिक कारक है, सांस्कृतिक कारकों विरासत को आदरपूर्ण स्थान देना, सांस्कृतिक विरासत विरासत को स्थान देना, सांस्कृतिक जो विरासत है यानी कि जो मूल्य जो अच्छी चीजें हमने अपनी ट्रेडिशन से ली हैं सांस्कृतिक विरासत को क्या था आदरपूर्ण स्थान देना, आदरपूर्ण स्थान देना, आदरपूर्ण स्थान देना। हमारे जो कल्चर है वो स्टूडेंट्स की किसी एक समय में जो है वो तैयार नहीं होती। कल्चर का जो कंसेप्ट है कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, वो एक दिन में संयोजित नहीं होता है ना, नए एक जनरेशन के द्वारा ये तैयार किया जाता है, बल्कि क्या है ये हम पीढ़ी से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को आगे से आगे क्या है इस चीज को संरक्षित करती है, आगे से आगे इसको सौंपती चली जाती है। तो जो हमारी संस्कृति थी, जो अच्छी चीजें हमारी संस्कृति में थी उनको हम आदरपूर्ण स्थान दें, उनको हम अपने जीवन में जोड़ के रखें, क्योंकि जो है वो एक मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट आया था जिसमें कि क्या था कि हम जो है वो वेस्टर्न्स को फॉलो करने लगे थे, ठीक है, लेकिन जो क्या थी हमारी संस्कृति इतनी सक्षम थी कि इसमें हर समस्या का समाधान हमारे पास था, ठीक है। तो जो व्यक्तित्व का विकास जो हमने करने का टारगेट रखा माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य का, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा जो हमारा उद्देश्य रखा गया इसमें जो मेन हमने कंसेप्ट को लिया वो था हमारी संस्कृति, इस संस्कृति को हम जीवन के साथ जोड़े, हम अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें और अपनी जड़ों को ना भूलें, क्योंकि वही पेड़ जो है वो खुशहाल या हरा भरा रह सकता है जो अपनी जड़ों से या अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसमें क्या था जो बच्चे की रचनात्मक शक्तियां थी, बच्चे के अंदर जो कौशल थे उनका डेवलपमेंट करना।